कोर्ट मैरिज के दौरान हमें जज के पास जाना ही होता है। जज साहब हमसे क्या सवाल पूछेंगे, आपके नाम का एक एफिडेविट बनाया जाता है, उसके अंदर कंटेंट्स लिखे जाते हैं। कंटेंट्स क्या लिखे जाते हैं, अपना कंसेंट देने में सक्षम है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि अगर आप इस तरह के एफिडेविट पे कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम कोर्ट में जाते हैं उस समय इस एफिडेविट को जो भी मैरिज रजिस्ट्रार या SDM साहब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक यह है कि बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि क्या कोर्ट मैरिज के दौरान हमें जज के पास जाना ही होता है, जज साहब हमसे क्या सवाल पूछेंगे, कई तरह के ऐसे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होते हैं। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि कोर्ट मैरिज के दौरान क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपके साथ में होता है। अगर आप बालिग हैं तो आपका सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको प्रॉपरली वेरीफाई किया जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद से जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो कि आपके नाम का एक एफिडेविट बनाया जाता है, उसके अंदर कंटेंट्स लिखे जाते हैं। कंटेंट्स क्या लिखे जाते हैं कि आप दोनों बालिग हैं और आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी किया है, आर्य समाज या जहाँ कहीं भी आपने शादी किया हो, और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, आप अपना कंसेंट देने में सक्षम हैं, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। ऐसा एक फॉर्मेट होता है जिसमें लड़के के माध्यम से और लड़की दोनों ही के साइन करवाए जाते हैं, उनके थंब के निशान लिए जाते हैं, और यह एफिडेविट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको दोस्तों यह भी बता दूं कि अगर आप इस तरह के एफिडेविट पे कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो आपके खिलाफ FIR भी हो सकता है और उसमें 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो यह एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम कोर्ट में जाते हैं उस समय इस एफिडेविट को जो भी मैरिज रजिस्ट्रार या SDM साहब होते हैं यानी कि जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके सामने पेश किया जाता है अलोंग विथ योर डॉक्यूमेंट्स, जो एज प्रूफ का या फिर आपका रेजिडेंस प्रूफ होता है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में उसको पेश किया जाता है। जब वो सब कुछ पेश किया जाता है वो डॉक्यूमेंट से गो थ्रू होते हैं, उसको देखते हैं, आपके मैरिज का जो फोटो होता है उसको देखते हैं, जो मैरिज का जो सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ होता है आर्य समाज से उसको देखते हैं, निकाह हो तो निकाह वाला सर्टिफिकेट देखते हैं, उसके बाद से पूरी तरह सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब जो बेसिक क्वेश्चन था कि क्या जज साहब के सामने जाना पड़ता है, पहली बात कि आपके मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कोई जज साहब नहीं करते हैं, SDM करते हैं। SDM का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनको अथॉरिटी होती है इस तरह के मैरिज के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या एक तरीके से न्यायिक अधिकारी ही माने जाते हैं। और दूसरा जो है वो आपके मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, उनका काम केवल मैरिज को रजिस्टर्ड करना होता है। तो वहां पे जज साहब नहीं होते कोई, जहां पे जाकर के आपको कटघरे में खड़े होकर के आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर डाउट हो जाए, अगर उनको इस बात का संदेह हो जाए कि ये जो कपल है सर्टिफिकेट तो ये बता रहा है कि वो बालिग है जबकि फोटो से देख करके ऐसा लग रहा है कि नाबालिग है, तो वो बुला सकते हैं। अगर उनको सिग्नेचर मिसमैच दिख रहा है तो वो बुला सकते हैं आपको, और बुला करके पूछताछ कर सकते हैं, और पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि कई बार आप एक रेपुटेड लॉ फर्म के माध्यम से शादी कर रहे होते हैं तो उस समय उनका भी एक गुडविल होता है कोर्ट के अंदर, जहां पे अगर उनकी फाइल प्रेजेंट की जाती है तो कोई पूछताछ ज्यादा नहीं होती है और उस फाइल के ऊपर आराम से काम हो जाता है, जैसा लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से आप जाते हो तो इजीली हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, अगर वो स्टेटमेंट वाली एफिडेविट आपकी बनी हुई है और उसको कोर्ट में जमा कराया गया तो कल को अगर लड़की भी मुकर जाए लड़का भी मुकर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे आपने खुद एक एफिडेविट पे साइन किया है, थंब का निशान लगाया है जिसमें स्वीकार किया है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप अपनी मर्जी से आए हो, आपने मर्जी से शादी किया है और कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने आए हो। तो आपसे जो क्वेश्चनिंग या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी जज साहब के माध्यम से नहीं पूछा जाता है, और केवल आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो सेल्फ एक्सप्लेन करने वाला डॉक्यूमेंट होता है, वही बताता है कि आप बालिग हो, मैरिड हो, अब मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट हो रहा हो, कुछ दिक्कत हो,
तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444455 पर आप सातों दिन सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट dalila.in पर विजिट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं care@dalila.in। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।